गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया सेशन रखेंगे। जैसे मैं डेली में एक स्कीम या दो स्कीम पढ़ा करूँगा, तो मेरे मकसद है उसको मैं अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है ना। किससे आपकी हेल्प भी मिल जाए, स्पीड में आप देख सके 1.25 करके या 1.55 करके आप वीडियो को देख सके, क्योंकि जो विजन की 365 है उसकी जो मैगजीन है वो आ चुकी है, जो गवर्नमेंट स्कीम की है वो आ चुकी है। तो मेरा काम रहेगा कि मतलब कि मैं अभी खुद भी पढ़ूंगा और आपको भी, मतलब उसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं। तो जो हम आज स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, हम स्टार्ट करते हैं आज का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की और फार्मर वेलफेयर की स्कीम, जो न्यूली लॉन्च स्कीम है। मेरा मकसद रहेगा एक या दो स्कीम डेली कवर करना, बस 5 से 10 मिनट की वीडियो, उससे ऊपर की नई वीडियो। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम आयुष्मान आपका सहकार स्कीम। देखो इसमें एक तो आयुष्मान आ गया। आयुष्मान आपने सुना होगा वो हेल्थ केयर की स्कीम है। चलो सहकार कौन होते हैं, आप कॉपरेटिव जो होते हैं गाँव के सहकार बोल दो, जो साथ में आके फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो उसको एक तरह से कॉपरेटिव भी बोलते हैं। तो एक तरह से दोनों को, हेल्थ केयर सेक्टर को और सहकार को एक साथ जोड़ रही है। तो कॉपरेटिव सोसाइटी को, हेल्थ केयर को एक साथ जोड़ रही है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था, गांव के लिए, रूरल के लिए मतलब एक तरह से बिल्कुल हेल्थ केयर सेक्टर जीरो था। जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर थे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थे। अगर आप अकॉर्डिंग टू देखोगे 25,000 जो गांव की पॉपुलेशन है, या 25-50 गांव के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर था एज ए सर्वे के हिसाब से। तो उसको देखते हुए ये गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक चीज़ स्टार्ट की कि लोगों के गांव-गांव तक हेल्थ केयर सर्विस पहुंच पाए। वो कैसे पहुंच पाएगी, वो पहुंच पाएगी, हमें कोई ऐसी स्कीम लाते हैं, कॉपरेट सर्विस जो गांव में काम करते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी जो गांव में काम करती हैं, उनको एक साथ ला के उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि वो हेल्थ केयर के लिए कुछ काम कर पाए। जो मेडिकल प्रोफेशनल है, मेडिकल ग्रेजुएट है, वो आगे आए जो गाँव से रिलेटेड है और वो काम कर पाए। जो भी आयुष हैं, जो आयुर्वेदिक वाले हैं, किसी गाँव से लिंक है, कोई MBBS किसने कम्प्लीट किया गाँव से लिंक है, तो वो प्रोफेशनल उसके गाँव में ही ऐसा क्रिएट कर दें कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से, कि लोगों के गांव को हेल्थ केयर सेक्टर एक्सेस हो पाए। उसी के लिए स्कीम है, नाम में ही इसके जो आ गया है आयुष्मान और आपका आपका सहकार। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वही है, एक अफोर्डेबल होलिस्टिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है सब रूरल एरिया में। उसके बारे में इसे प्रमोशन करना, आयुष जो है ना आपका, आयुर्वेदिक यूनानी आपका ये सब, उनको बढ़ावा देना, आयुर्वेदिक यूनानी इन सबको बढ़ावा देना है। उसके बाद योगा को, सबको बढ़ावा देना है कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से, ठीक है। ये मीट करना है जो ऑब्जेक्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, उसका ऑब्जेक्ट मीट करने के लिए लाई गई है। और क्या है, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको बढ़ाना है। डिजिटल हेल्थ में क्या, ई टेलीमेडिसिन हो गया आपका, और भी बहुत सारी, ई संजीवनी हो गया या संजीवनी हो गया, वो सब डिजिटल हेल्थ केयर के पार्ट है, उसको और बढ़ाया जाए, असिस्टेड किया जाए, सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाए, एक हेल्थ केयर अच्छी दे पाए वो, उसके हेल्थ केयर के साथ साथ एजुकेशन भी अच्छी हो पाए, सर्विस अच्छी मिल पाए, इंश्योरेंस जो है चीज़ों को मिल पाए, एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर टू, जो भी एक्टिविटी वो करते हैं, जैसे एलाइड सेक्टर होते हैं आपका, उसमें आपकी गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, उनके भी इंश्योरेंस होता है, तो वो एलाइड सेक्टर उस चीज़ का इंश्योरेंस भी आगे बढ़ पाए। अब इसकी कुछ एलिजिबिलिटी रखी गई, किसको ये एलिजिबल, कौन कौन है इस स्कीम को लेने के लिए। उसके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, किसके अंदर रजिस्टर्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है, FPOs होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट भी अलग से उसके अंदर, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, या मल्टी स्टेट में होनी चाहिए, जो बहुत सारी स्टेट में होती है एक ही सोसाइटी, या फिर सिंगल स्टेट में होती है, वो सारी इसके अंदर कवर कर सकती हैं। कोई भी वो मतलब कि सर्विस प्रोवाइड कराना चाहे, जैसे हॉस्पिटल की, हेल्थ केयर की, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, वो एलिजिबल हैं, उनके लिए फाइनेंस असिस्टेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम, अब ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब काम जो गांव में करेंगे उसी से रिलेटेड है। तो पैसा कहाँ से देंगे, उसके लिए एक बोर्ड है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर एक बोर्ड है, उसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बोर्ड है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा इस सारे प्रोग्राम को। अब ये बोर्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया इन्होंने। ये एस्टेब्लिश किया गया था, एक पार्लियामेंट एक्ट से बनाया गया था 1963 में, यानी कि 62 में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना से, उसके बाद ये बोर्ड बना था। एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, क्योंकि एक्ट से बना है तो स्टैट्यूटरी पावर इसके पास होंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये बोर्ड आता है। फंक्शन क्या है, वही प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, फाइनेंसिंग, सपोर्ट करना कोऑपरेटिव्स को, डेवलपमेंट प्रोग्राम को, उनको सपोर्ट करना जो भी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। ये फाइनेंशियल और टेक्निकली दोनों टाइप की सपोर्ट करता है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को, फार्मर के, या कोई वीकर सेक्शन एसोसिएशन विद एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है उसको भी सपोर्ट करता है, या कोई एलाइड सेक्टर है रूरल इकोनॉमिक। एलाइड क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी है, उसके साथ एलाइड क्या कर सकते हो आप कोई
मुर्गी पालन खोल सकते हो, आप कोई गौशाला खोल सकते हो, आप कुछ भी खोल सकते हो, आपका अधिकार है। वो एलाइड सेक्टर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव फिशरी कर सकते हो आप, उसका जुड़ाव एग्रीकल्चर के साथ रहता है। अब ये क्या है, NCDC आयुष्मान शासकार फंड बनाया गया है, इसके लिए इसमें 10,000 करोड़ रुपये इसमें दिया जाएगा जो इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। वर्क कैपिटल एंड मार्जिन, मतलब कि मार्जिन जो मनी है टू बी मीट द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट उस चीज़ के लिए। और एक चीज़ हो रहा है, देखो पैसा तो दिया जा रहा है, अब ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है गाँव की, पैसा उसको दिया जा रहा है। अगर उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर तो उसमें 1% का आपको इंटरेस्ट, कुछ मिनिमम इंटरेस्ट भी लगाएंगे ना, पैसा देंगे बढ़ाने के लिए तो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना। अगर वुमेन है तो उसे 1% का वुमेन को इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब छूट प्रोवाइड की जाएगी अगर मेजोरिटी वुमेन है सोसाइटी के अंदर। लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा 8 साल के लिए, इंक्लूडिंग 1-2 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम क्या रहता है, छूट दी जाएगी कि जैसे आपने लोन लिया, अगले मंथ से आपको EMI पे करना है, पर छूट दी जाएगी, मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा आपको कि आप 2 साल तक इसका EMI पे मत करो, 2 साल बाद पे करना स्टार्ट करना। तो एक तरह से बहुत ही चीपर लोन इंटरेस्ट पे मिलेगा। उसके बाद ऐसी ऐसी छूटें भी दी जा रही हैं तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है, लोग लोन देते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक न्यू स्कीम से हो वैगी प्रमोट कर सकती है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द मेडिकल ग्रेजुएट, क्योंकि जो मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, एक अच्छा सा उनका क्लिनिक खुल जाए, ये सब हो जाए, तो एक वो ग्रेजुएट सोचते हैं कि अपने गांव में ही जाके हम सर्व करें अपने रूरल एरिया को, ठीक है ना। तो उनकी सोच किसी की ऐसी रहती है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे सपोर्ट कर देंगी तो उससे उसका अच्छा हो जाएगा, गांव में एक डॉक्टर मिल जाएगा। अब स्कीम क्या है कि मतलब कि यही करना है कि इटसेल्फ टू फोकस ऑन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आपकी आई थी उसको ही सपोर्ट करना था, वही इसमें कवर किया गया। हेल्थ सिस्टम यही सब इसके अंदर लेके आएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज करना है, मेडिकल आपके प्योरलिज्म को, अफोर्डेबल हेल्थ मिल पाए लोग फार्मर के लिए और गाँव की रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो ये स्कीम हमने पढ़ी। इससे कुछ और भी स्कीम है जो रिसेंटली इनिशिएटिव हुई, छोटी छोटी हैं तो हम कवर कर लेते हैं, 5 मिनट में कवर हो जाएगी। सेंट्रलाइज्ड फार्म मैकेनिज्म परफॉर्मेंस, ये टेस्टिंग पोर्टल है, इसमें कुछ नई मशीनरी होती है ना, होती है बहुत पुरानी हो जाती है, ट्रैक्टर वो 10-20 साल पुराना यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं पुरानी कैटेगरी के। अब देखो जैसे जनरेशन बढ़ रही है, न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, पहले क्या करते हैं बैलों का यूज़ करके हल चलाते थे, ठीक है, उसके बाद ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के पीछे हैरो चलाते थे, हैरो एक पहिए होते थे उसमें ब्लेड टाइप के, उसके बाद और मॉडर्न जनरेशन आई, अब रोटीवेटर आ गया कि वो चलता है। तो आप गाँव के लोग नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा गाँव से मेरा लिंक है इसलिए मुझे सब कुछ पता है, पहले हल चलता था फिर हैरो चलती थी, अब रोटीवेटर आया। तो वही मतलब उससे क्या हो जाता था, हल एक खेत में 2 दिन में चलता था, वही हैरो ने उस काम को 1 दिन में कर दिया, अब रोटीवेटर ने वो काम कुछ घंटों में कर दिया। तो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है चीज़ों का। तो वही सब कुछ चेक करने के लिए कि अप्लाई कैसे करना है, कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टेस्टिंग द मशीन इन द सिमलेस मैनर, सब कुछ चेक करके उन सबकी स्कीम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखने के लिए मीन्स में आ सकती है। फिर आपका शाहकार मित्रा स्कीम ऑन द आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब जैसे जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकलते हैं या फिर कोई MBA कर रहा है, कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट में या रूरल डेवलपमेंट में या फॉरेस्ट्री में या फिर इंटर्नल किसी चीज़ के लिए MBA कर रहा है, एग्री बिजनेस में या किसी चीज़ के MBA कर रहा है, तो उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट होते हैं उनको डिसिप्लिन सच एग्रीकल्चर राइट सेक्टर के बारे में बताना, उसके लिए फंड कौन देगा, उसके लिए भी नेशनल आपका कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड प्रोवाइड करेगा, उनको ग्रेजुएट बनाया जाएगा, इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो गाँव में जाके अच्छे से और काम कर पाए। जो अगली स्कीम जो आती है उसके आगे भी और चीज़ है, इसमें एक चीज़ होगी कि ईच इंटर्नशिप फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी उसे 4 मंथ तक, ठीक है ना, जो इंटर्नशिप कर रहा है सपोर्ट भी मिलेगी। बेनिफिट क्या है, द स्कीम विल प्रोवाइड द यंग प्रोफेशनल गांव के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रैक्टिकल मतलब कि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी ना, कहते हैं ना आपने किताबी नॉलेज तो ले ली पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाए तो क्या हुआ। तो लर्निंग फ्रॉम द वर्किंग से मिलेगी उसे, जो सपोर्ट करेगी NCDC सपोर्ट करेगी एंड द कोऑपरेटिव उसे सपोर्ट करेंगे, तो एक तरह से वो उसे क्या होगा, उसके पास किताबों की नॉलेज MBA से ले ली उसने, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने प्रोवाइड कर दी इंटर्नशिप में, तो उससे क्या होगा, एक तरीके से ग्रोथ और बढ़ेगी, उसके दिमाग में और नई चीज़ें आएंगी और आगे जाएगा। तो ये सारी चीज़ इस स्कीम के अंदर रखी गई, आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट वाली जो स्कीम है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो दूसरी स्कीम आती है वो आती है आपका रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट रुकिए, पहले सफाई कर लूँ मैं इसकी, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, स्टार मार्क है, सॉरी
इसमें डिफरेंस बता दो। यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, और अगली स्कीम की तरफ जाएंगे यहाँ पे क्या मार्क होगा, यहाँ पे स्टार मार्क है, और अगली स्कीम की तरफ जाएंगे यहाँ पे क्या होगा आपका हैश मार्क है। जो हैश है ना ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हैश वाली जो स्टार वाली है ना, हैश वाली तो स्पॉन्सर होगी, स्टार वाली है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अगर आपको इसका मतलब कि डिफरेंस समझना है क्या क्या डिफरेंस है, तो इसी प्ले लिस्ट में एक वीडियो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन कौन सी होती है, वो आप जाके देख लेना, 5-10 मिनट की है, हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली बेसिस पे मैं एक दो स्कीम डेली इस पर डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेसिस पे वहाँ पे वीडियो भी वहाँ पे अपलोड होती रहती है, आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।